समस्या का समाधान वो यहीं से होती होगी। अगला प्रश्न डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 316 जवाब आ गया है। मैं सबसे पहले तो माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा, आपने खंड 2 के सेकंड पार्ट में दिया है कि भरतपुर संभाग मुख्यालय पर खेलोत मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, जिसमें कहा है कि निर्माण कार्य 1/7/24 को एजेंसी RSRDC द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। मेरा आपसे कहना है ये पूर्णतः गलत है, और जिस भी अधिकारी ने आपको ये गलत उत्तर दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा सर। ये भी एक सप्लीमेंट्री, एक और पूछोगे? नहीं सर, गलत का पूछ रहा हूँ सर, मैं तो गलत जवाब दिया है। हाँ तो सप्लीमेंट्री में आता है ये, आप तो पूछो। तो इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री दो मिलेंगे, एक ये एक दूसरा, तो इसी को मैं जोड़ देता हूँ सर, फिर एक का नुकसान मतलब। दूसरा ये है कि इसी के आगे मैं पूछ रहा हूँ सर कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का जो निर्माण कार्य, जैसा कि आपने बताया, पूर्ण हो चुका है। मेरी जो जानकारी है केवल 2 ब्लॉकों का निर्माण हुआ है, 2 ब्लॉक अभी निर्माणाधीन है, और इसमें मैं पूछना चाहता हूं इसी के तहत, क्या सरकार भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण करने का विचार रखती है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं इसमें, लेकिन मेरे को जानकारी वो अलग है, तो मैं इस पर पूछना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का विचार रखती है क्या? इसके स्कोप में कोई परिवर्तन किया गया है क्या? पहला तो ये सप्लीमेंट्री है दोनों मिलाकर। दूसरा पर पूछूं। मैंने अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न तो इन्होंने 3 पूछ लिए हैं, लेकिन अंत में इन्होंने कहा कि ये पहला प्रश्न, चलिए कोई बात। सबसे पहला कि जवाब गलत है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2 बजट घोषणाएं हुई, पहली थी 21-22 और उसके बाद थी 22, माफ कीजिए, उसके बाद थी 23-24। 23-24 के अंदर भी मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के अंदर भवन निर्माण था, और 21-22 के अंदर भी भवन निर्माण था। 21-22 के अंदर तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिए गए, उससे 2 ब्लॉक मल्टीपर्पज हॉल और 2 ब्लॉक का निर्माण हो गया है, वही उत्तर में दिया है। उसके बाद 23-24 के अंदर जो और बजट आया वो तकरीबन 7 करोड़ का आया, वो कार्य 2 ब्लॉक का अभी चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पहली चीज तो ये है कि 23-24 में इंडोर स्टेडियम के भवन के निर्माण के लिए कोई बजट घोषणा नहीं है, वो है भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भवन के निर्माण के लिए। अधिकारी फिर गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय को, तो मेरा यह आग्रह है कि इसको संज्ञान में ले जाए। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि भरतपुर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कही गई थी, उसके लिए मैंने आपसे पूछा क्या उसका निर्माण होगा या नहीं होगा, या उसके स्कोप में कोई परिवर्तन किया गया, मैं वो पूछ रहा हूँ माननीय मंत्री जी। या फिर अध्यक्ष महोदय, 2 बार कहा प्रश्न काल में कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा, कितनी बार इधर उधर दोनों जगह कहूं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा या नहीं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 23-24 के अंदर ये घोषणा थी, और इसका कार्य तकरीबन अगले साल के मध्य तक पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती अनीता बदेल। प्रश्न संख्या 2005।